ये सुपारी किलर ललित सिंह अपनी मर्जी से तो दो दो मटर करेगा नहीं, वो भी एक गरीब आदमी और एक मासूम बच्चे का। सिन्हा इस वक्त हमारे पास क्या है? सर ड्राइवर गुड्डू चौबे और वो उल्टी कुमार विवेक आ रहा। सर इस विवेक को उठवाकर उल्टी करवाते हैं। डेफिनेटली सिग्नल दिया गया होगा अटैक करने से पहले ललित सिंह को। स्पॉट भी तय होगा कि कहाँ रुकना है और अटैक के लिए कौन सी जगह से। सर हर्ष की असली माँ माधुरी और उसके पति राजकुमार को भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। और मोहन जी और शायद उनके बेटे सनी को भी जो पेरिस में बैठा है। ये बच्चा हर्ष अपनी जिंदगी में खुश था, इसी का अडॉप्शन हुआ और इस तरह से मारा गया। ये प्लान चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया का भी हो सकता है, पर जो भी है हमें मास्टरमाइंड और किलर दोनों को खुद निकालना है। नीलेश एमपी यूपी महाराष्ट्र नेपाल वेपाल जहां कहीं भी इस ललित सिंह का बिल है मुझे पता करके बता। मैडम ये ललित सिंह खाली पेशेवर हत्यारा नहीं है, खानदानी भी। इसका बाप प्रमोद सिंह अपने जमाने का बहुत नामचीन हिस्ट्री शीटर था। ये जबलपुर में रहती है इसकी पूरी फैमिली। अब क्या बात करने को रह गया है सर? मेरे बेटे हर्ष को क्यों मारा? क्या मिला किसी को? शायद डील के पैसे नहीं मिले हो इसलिए मर्डर हुआ। कोई ब्लडी डील नहीं था, एवरीथिंग सब कुछ बिल्कुल लीगल था। मोहन जी से बैक चेक कीजिए प्लीज सर। और कुछ भी इलीगल हमारे कंट्री फ्रांस में अलाउड ही नहीं है, समझ रहे हैं? एक्चुअली नहीं समझ रहा हूं स्वाति जी, क्योंकि हमारी समझ ये है कि हर्ष का मर्डर उसके अडॉप्शन और पेरिस जाने वाली बात को लेकर ही हुआ होगा। तो इसके रूट तक जाइए ना सर, और जो भी कोऑपरेशन है मैं आपको दूंगी। बेचारे को बिना बर्थ दिए मैं उसकी माँ बनी, और अब बिना उसकी परवरिश पेरेंटिंग किए मैं उसके डेथ का कारण बन रही हूँ। इससे ज्यादा हॉरिबल और क्या हो सकता है मेरे लिए सर? स्ट्रेस मत लो स्वाति, पापा हैं वहां पे, सब संभाल लेंगे। दो पानी पियो। पेट ही खराब है ना विवेक का, तो दवा दीजिए उसे। जवाब तो उसे मुंह से ही देना है। विवेक भैया से क्या सवाल करने हैं आपको? वो तो बस स्वाति मेरा की हेल्प कर रहे थे हर्ष के वीजा के लिए। वीजा तो कटा है उस बच्चे का और उसके चीजा का भी। पर सर परवर कुछ नहीं, अब आप लोग रास्ता छोड़ेंगे या हम शराफत छोड़ दें? ये तपन है ना, अगर इसे एक बार मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया ना, फिर मैं इसे खुद भी रोकूंगा तो ये रोकेगा नहीं। बिना ब्रेक वाला डंपर ट्रक है, कुचल देगा तेरी कार को। उससे सच तो नहीं कुछ लेगा ना, पर सच ये है कि मैं उस साजिश का हिस्सा नहीं था। मैंने हथियारों को कोई सिग्नल नहीं दिया। तुम लोगों के बेड़ाघाट में दाखिल होने से जस्ट पहले वहीं बेड़ाघाट के पास एक ठेले पर ललित सिंह चाय पकौड़े खा रहा था, उसे सिग्नल मिला, तुरंत वो और उसके आदमी ने तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया, फिर हमला किया। अब हमें तो ये बता कि उसे सिग्नल किसने दिया, तूने या विवेक ने? मैं गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं करता, मैं लेता भी नहीं हूं। मैंने फोन दिया ना आप लोगों को था, आप खुद ही देख लीजिए मैंने किसी से भी बात की हो तो। तो फिर किसने फोन किया, विवेक ने या धर्मेश ने? मेरी नजर और ध्यान दोनों सड़क पर होते। अरे कोई फोन करे ना करे किसको पड़ी रहती, ऊपर से विवेक भाई की उल्टियां चल रही थी सो अलग। सर अभी मैं कैसे आऊं? अभी तो धर्मेश और हर्ष की डेड बॉडी को लेकर उनकी फैमिली के साथ मैं नरसिंहपुर जा रहा हूं क्रियाकर्म के लिए। मैं बाद में आऊंगा तो चलेगा सर? चलेगा मोहन जी, लेकिन आना है आपको, इतना याद रखिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी आवाज आपकी बातें शक से भरी हुई लग रही है मुझे, वो भी मुझ पर जिसने इस बच्चे हर्ष का भला चाहा था, परिवार का भला चाहा था। तो फिर आपको शक क्यों हो रहा है कि हम आप पर शक कर रहे हैं? बस कुछ जरूरी सवालों के जवाब चाहिए थे, जल्द से जल्द आइए, वेट कर रहा हूं। प्रीति तो लोग मेरे साथ गाड़ी में चलो, एम्बुलेंस पीछे से आएगी। हाँ चलो आओ बेटा।
मैडम, मैंने तो ऐसी ही बात बात में लालू से कह दिया था कि हर्ष की किस्मत बहुत अच्छी है, घर वालों को 5 लाख रुपए मिले जिसमें से आप दोनों को एक भी पैसा नहीं मिला। तो वो क्यों मिलता? जो भी किया हर्ष और डिम्पल के लिए किया, प्रीति और धर्मेश ने किया, इसका एहसास था हमें। एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हमने मरवाया है मेरे हर्ष को और मेरे दामाद धर्मेश को? मेरे हर्ष, मेरे दामाद, किसी चीज पर हक जताने के पहले उसका फर्ज अदा करना जरूरी नहीं होता? हक और फर्ज ये दोनों मजबूरी के गुलाम है मैडम। हर्ष की किस्मत अच्छे के लिए पलटी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नीयत बुरे के लिए पलटी। ऊपर से हमारी ये फटीचर हालत, खुद एक पान खाने की औकात नहीं है हमारी, तो किसी को मारने की सुपारी क्या खाक देंगे? हाँ, और ये सब करके हमें मिलता क्या? पैसा मिलता, इस सारे फसाद की जड़। उस आदमी ने आपको कितने पैसे दिए जिसने आपसे ये कांड करवाया? एक पैसा नहीं मिला है हमें। और पैसे ही निकलवाने होते तो आसान तरीका था, जब कागज पत्री बन रही थी तभी कह देते कि ना इतने इतने लाख रुपए दो, तभी दस्तखत करेंगे, क्योंकि हमारे दस्तखत के बिना वो विलायती मैम हर्ष को नहीं ले जा पाती। और हमने दस्तखत किए, मैंने खुद अपने दोनों बच्चों को कानूनन अपनी बड़ी बेटी प्रीति को सौंप दिया ताकि मैं इनके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तो कहीं प्रीति और धर्मेश ये दोनों कोई साजिश रच रहे थे? हद करिए आप मैडम, अब हम दोनों नहीं तो वो दोनों। तो फिर कौन, कोई है तो जरूर? हमको नहीं मालूम मैडम, इसके बाद का सारा व्यवहार विलायती मैम स्वाति से प्रीति और धर्मेश ने किया था। हम तो मोहन जी को भी नहीं जानते, वो प्रीति और धर्मेश ही लेके आए थे उनको। सर, क्वेश्चनिंग के वक्त ना तो माधुरी और ना ही उसका पति राजकुमार हड़बड़ाए हुए थे। मैंने तहसील ऑफिस में पता किया तो कागजात बाकायदा बनाए हुए हैं, कोई झोल नहीं है। और ये मोहन जी, इनकी पूरे बेड़ाघाट में काफी इज्जत है। तो फिर झोल का है, इस बच्चे और इसके जीजा को टारगेट क्यों बनाया गया? सर, एक जगह हो सकती है। सर ये देखिए, जून 2015 से अगस्त 2015 तक अडॉप्शन के लीगल पेपर्स बने ताकि उसमें कोई रोक ना आए। फिर सितंबर 2015 में स्वाति मेहरा पेरिस से यहाँ बेड़ाघाट आती है बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। अब बनता है हर्ष का पासपोर्ट फरवरी 2016 में, यानी पूरे 6 महीने बाद। सर, आज के टाइम में पासपोर्ट तो यूं बनते हैं, और उसके वीजा का काम तो अभी तक यानी कि जून 2017 तक चल ही रहा था, जबकि ड्राइवर गुड्डू ने बताया कि वो लोग वीजा के सिलसिले में कम से कम 3 बार जबलपुर अप डाउन कर चुके हैं। सर, वीजा के लिए इतना टाइम किस लिए, क्या रुकावट हो सकती है? पॉइंट मंजू, मुझे लगता है कोई गेम खेल रहा है। एक तरफ पेरिस की स्वाति मेहरा, दूसरी तरफ हर्ष की फैमिली, शायद दोनों को भी मोहरा बना रहा हो। मुझे इस अडॉप्शन की लीगलिटी पर ही डाउट हो रहा है। मुझे लगता है इस अडॉप्शन के पर्दे के पीछे मकसद कुछ और ही है। गुड्डू की हम काफी धुलाई कर रहे हैं विवेक, और अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द तेरी बारी आने वाली है। किस लिए सर? मैं तो बस धर्मेश की हेल्प कर रहा था हर्ष के वीजा के लिए। लेकिन विवेक, फिर भी तेरी मदद के बावजूद 4 बार जबलपुर अपडाउन करना पड़ता है, जबकि आजकल वीजा प्रोसीजर मक्खन जितना आसान है। सर, अडॉप्शन केस है, फॉर्मेलिटीज अलग होती है, आप एक बार चेक तो कीजिए। वैसे ही फ्री फंड में मदद किस खुशी में की जा रही थी? सर, दोस्ती में, और सिर्फ दोस्ती में। सर, मैं खुद 5 महीने पहले तक पेरिस में काम कर रहा था, एक रेस्टोरेंट मैनेज कर रहा था, और सनी वहाँ अक्सर आया करता था। और विदेश में सर, जब एक इंडियन दूसरे इंडियन से मिलता है तो अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्वाति। हाय सनी, लॉट ऑफ ट्रैफिक। मीट विवेक। हाय, ही इज फ्रॉम जबलपुर। मेरे बेड़ाघाट से सिर्फ 26 किलोमीटर, राइट? सर, सनी, स्वाति और मैं, हम तीनों काफी वक्त साथ गुजारते हैं। फिर इस फरवरी में मेरा वर्क वीजा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने स्वाति से हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? सर, वही हेल्प जो उसने सनी की थी। सनी स्टूडेंट वीजा पे था, और स्वाति की हेल्प से उसका वर्क परमिट वीजा बन गया। स्वाति ने मेरे लिए भी कोशिश की थी, पर कुछ हो नहीं पाया। सर, आई एम सॉरी विवेक, मैंने बहुत ट्राई किया, बट यू नो इट्स ओके, थैंक्स। यू नो ना कि हमारी कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है, और तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन? केटरिंग की है। सो कोई नहीं, इट्स ऑलराइट। पर स्वाति, हम 6 महीने में पक्का कोई ना कोई जुगाड़ करके विवेक को एक जॉब ऑफर भेज सकेंगे ना? हाँ, श्योर श्योर, जरूर कुछ होगा, वी कैन ट्राई। थैंक्स विवेक, थैंक्स स्वाति। तो तेरे सामने गाजर था, वर्क परमिट। सर, गाजर वाजर क्या सर? सर, कोई गुनाह थोड़ी है अब्रॉड सेटल होना, हेल्प मांगना। गुनाह है 10 साल के बच्चे हर्ष का कत्ल, जिसका वीजा बनाने की रिटर्न हेल्प तू कर रहा था। सर, मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस मोहन जी की हेल्प कर रहा था, वो इतने बिजी आदमी है। हर्ष का पासपोर्ट तो 2016 में बन गया था ना, तो अब जाके वीजा क्यों बन रहा था उसका? सर, ना मैंने हर्ष का पासपोर्ट बनाया, ना ही मैंने उसको गोद लिया है।
सबको जो पूछना है उन लोगों से पूछिए ना। किन लोगों से? स्वाति से, मोहन जी से, सनी से। चल तेरा दूसरा नंबर दे। दूसरा नंबर? वही नंबर जिससे तूने ललित सिंह को कॉल किया था, अटैक करने का सिग्नल दिया था उसे। सर मैंने कोई सिग्नल विग्नल नहीं दिया। हर्ष और उसका जीजा दोनों मारे गए लेकिन तेरे और गुड्डू के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आई। तो सर हमारी गलती की हम बच गए, हम साजिश का हिस्सा बन गए? सर इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। लॉजिक बनेगा विवेक, और केस भी बनेगा, तगड़ा बनेगा उन सब के खिलाफ जिन्होंने इस कांड में हिस्सा लिया है। ठीक है सर, आप बनाइए तगड़ा केस, अब मैं जाऊं। तू कहीं नहीं जा रहा विवेक, एक बार केस बनेगा ना तो तू काम से जाएगा। लंबा वर्क परमिट मिलेगा तुझे सेंट्रल जेल का। इस ललित सिंह की माँ यही जबलपुर में रहती है। बाप कहाँ है उसका? पता नहीं, बाप तो 6 साल पहले माँ से अलग हो गया। अच्छा तू एक काम कर, तू माँ का घर दिखा दे, बाकी का क्राइम ब्रांच वाले संभाल लेंगे। तू लोकेशन पर ही है ना नीलेश? हाँ एकदम ऑन द स्पॉट मैडम। ये ललित की माँ अभी मार्केट से घर लौट रही है। वहीं कील गाड़ कर खड़ा रहे, हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। पापा के गैरेज में कम इस वीजा शीजा के चक्कर में बहुत टाइम खोटे हुआ विवेक भैया का। फिर भी अभी तक हर्ष मौर्य की वीजा की एप्लीकेशन तक नहीं हुई है, हमने जबलपुर वीजा ऑफिस में चेक किया। मनप्रीत जी आपका विवेक इस कांड में इन्वॉल्व है। विवेक ऐसा गैर कानूनी काम करके अपना पुलिस रिकॉर्ड क्यों बनवाएगा? उसे तो अब्रॉड में जॉब करके वहां सेटल होना है, यही उसका सपना है। वो ऐसा गलत काम क्यों करेगा साहब? गलत काम नहीं करेगा लेकिन करवा तो सकता है ना। हमने विवेक का यहां से लेकर पेरिस तक का पूरा चिट्ठा खोला है और बहुत जल्द सारी कड़ियां मिल भी जाएंगे। बेहतर होगा कि आप लोग विवेक से बात कीजिए, उसे सरकारी गवाह बनने को समझाइए। मनप्रीत जी यही आखिरी मौका है। दो लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी जिनमें से एक 10 साल का बच्चा था। मामला बहुत सीरियस है। हर्ष तेरे पास ही रहता तो कम से कम जिंदा तो रहता, और तेरे पास वो खुश तो था ही। माँ इस गरीबी में शायद उसे कम खुशियां दे पा रही थी, यही सोच के दिल पे पत्थर रख के मैं तैयार हुई थी हर्ष को गोद देने के लिए। हर्ष के अच्छे भविष्य के लिए ही सोच रहे थे मैं और धर्मेश। पर धर्मेश ये मोहन भाई कौन है? मोहन भाई बेड़ाघाट के बहुत बड़े आदमी, रतनदास जी सेठ है ना, उनके कोई दोस्त है, कल मिलने भी आने वाले। कोई विलायती मैम है जो हर्ष को गोद लेना चाहती है। डिंपल को भी? नहीं अभी तो सिर्फ हर्ष की बात हुई है, वो विलायती मैम किसी लड़के को ही गोद लेना चाहती है। मैं क्या कहूँ उनसे? ना बोल दूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है। हमें नहीं चाहिए विलायत विलायत का चक्कर, हर्ष को कहीं नहीं भेजना है। धर्मेश तुझे पता है पेरिस कहाँ आया? दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, अस्पताल मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, अगर नौकरी गई ना तो गवर्नमेंट भत्ता देती है। प्रीति को समझा, उसका भाई साहब बनेगा, बड़ा साहब, और बाद में आप तीनों को थोड़ी ना भूलेगा, तुम तीनों को वहीं खींच के लेके जाएगा, निकालेगा खींच के, बाहर निकालेगा ये गरीबी के दलदल से। प्रीति रिश्ते से तो हर्ष की बहन है लेकिन उसका जो दिल है ना वो माँ का है, और अगर उसका दिल नहीं मानता तो नहीं मानता साहब। औरतों का दिल नरम ही होता है, पर तू दिमाग से काम ले, आगे की सोच। तेरे भी बच्चे होंगे ना जल्दी? जल्दी तो नहीं होंगे साहब। क्यों? हा? क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो प्रीति की सिर्फ एक शर्त थी साहब, कि जब तक डिंपल और हर्ष बड़े नहीं हो जाते वही हमारे बच्चे हैं, एक बार वो बड़े हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, फिर ही हम हमारे बच्चे करेंगे। इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? अगर हर्ष पेरिस चला गया स्वाति जी के पास तो तुम्हारी आधी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। देख धर्मेश, ऐसा मौका लाखों में से एक को नहीं मिलता, और ये ठुकराने के बाद नसीब को दोष मत देना गरीबी के लिए। देख हर्ष बेटा, तेरे जीजा जी कह रहे हैं कि प्रीति दिल से नहीं दिमाग से सोच। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि तुझे भेजूं, लेकिन बेटा तेरे जीजा जी सही कह रहे हैं,
तू एक बार वहां पे चला गया ना पेरिस, तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे अच्छा पढ़ने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, सब अच्छा होगा तेरे लिए। मुझे तुम्हारे साथ, डिंपल के साथ और जीजा जी के साथ रहना ज्यादा पसंद है। तो तू हमारे लिए अपनी अच्छी किस्मत छोड़ देगा? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दीदी मत भेजो ना हर्ष भैया को। देख डिंपल, तेरे जीजा जी और मेरे पास कुछ नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर्ष भैया यही चाहिए, मत भेजो उसे। देखो तुम दोनों नाटक करना बंद कर दो। हाँ अगर मैं और तेरे जीजा जी तुम दोनों के भले के लिए नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? देख हर्ष बेटा, हम तीनों के लिए भी आसान नहीं है तेरे बिना जीना, लेकिन एक बार तू वहां पे चला गया ना तो तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और फिर तू एक दिन डिंपल को भी अपने पास ही बुलाएगा ना, है ना? लेकिन वो तो अभी भी अपने पास ही है ना, मत भेजो उसे। डिंपल तू नहीं चाहती कि तेरा भाई बड़ा आदमी बने, बड़ा अफसर बने? अरे गाड़ियों में घूमेगा ये वहां पे, और फिर एक दिन तेरा भाई अपनी प्यारी सी डिंपल को भी लेके जाएगा ना अपने साथ, क्यों हर्ष? नहीं, मैं भाई को कहीं नहीं जाने दूंगी। देख बेटा डिंपल छोटी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मौका कितना बड़ा है तेरे लिए। लेकिन बेटा तू तो समझदार है ना, तुझे पता है ना कि मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। बेटा मान लेना मेरी बात। धर्मेश हर्ष और डिंपल को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करता था, पर हर्ष ने तो अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। किसी ने कैसी दुश्मनी निकाली हमसे माँ, क्या हो गया ये? तंग आ गई हूँ मैं आप लोगों से। अरे ललित ने कुछ कर दिया, आ गई पुलिस मेरा खून चूसने। उसके बाप ने कुछ कर दिया, आ गई पुलिस मेरा खून चूसने। उन दोनों मुजरिमों के जुर्म के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं उनसे फूटी कौड़ी तक नहीं लेती हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरा बेटा और उसका बाप दोनों ऐसे निकले? अगर ललित मिला नहीं ना शालिनी जी, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपकी ये धमकी है ना अपने जेब में रखी है। कायदा और कानून तोड़ने वालों के साथ रह रहे के थोड़ा बहुत कानून मैं भी समझने लगी हूँ। आप मुझे हाथ तक नहीं लगा सकती हो, और ये जो तलाशी के नाम पे मेरा सारा घर तहस नहस करके रखा है ना, सब समेट के दीजिए। चलिए। आजकल हफ्तों में पासपोर्ट आ जाता है, लेकिन आपने 6 महीने लगा दिए। सर हफ्तों में बनने वाले पासपोर्ट में सिर्फ एक माँ होती है, यहाँ 3-3 माएँ थी। पहली जन्म देने वाली माँ माधुरी, दूसरी पालने वाली माँ समान बहन प्रीति, और तीसरी नई नई कानूनी माँ पेरिस वाली स्वाति जी। सर 3-3 बार एप्लीकेशन देने पड़े। वीजा एप्लीकेशन में करीब 1.5 साल हो लग गया। क्यों? स्वाति मेहरा ने अडॉप्शन के बाद फरवरी में पासपोर्ट के आते ही हर्ष को पेरिस क्यों नहीं बुला लिया? वो आप स्वाति जी से ही पूछिए ना। नहीं पूछना है मुझे स्वाति जी से। यहाँ बेड़ाघाट में हर्ष और उसके जीजा धर्मेश का मर्डर हुआ है, वहां पेरिस में नहीं। मोहन जी आपने हर्ष की असली माँ माधुरी जाधव और उसके पति राजकुमार का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। आप ही ने हर्ष की बड़ी बहन प्रीति और उसके हस्बैंड धर्मेश को हर्ष का लीगल गार्जियन बनवाया। आपने ही अडॉप्शन के पेपर तैयार करवाए। आपने ही भागदौड़ करके पासपोर्ट बनवाया हर्ष का। माजरा क्या है मोहन जी? ये बच्चों की स्मगलिंग का कोई रैकेट है या फिर पैसों की कोई डील थी जो खट्टी हो गई? सर पैसों का तो ऐसा है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे पास काफी पैसे हैं। मैंने तो इज्जत से कमाए होंगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई बेड़ाघाट में मेरा नाम, मेरी इज्जत है। अब मेरी इज्जत उछलने चलने, मैं बच्चों की स्मगलिंग करूं? मैं मदद कर रहा था, मैं सोशल वर्क कर रहा था। लेकिन ललित सिंह सोशल वर्क नहीं करता मोहन जी, तगड़ी फीस लेता है लोगों को हेल्प करने की। और अगर ललित सिंह को हर्ष की किसी ने सुपारी दी थी तो उसे इस हत्याकांड से बड़ा फायदा हुआ होगा, या फिर होने वाला है। कौन हो सकता है वो मोहन जी? सर मैं नहीं हूं, आप पता करो। मेरी तरफ से कोई भी मदद लगेगी ना तो मैं जरूर दूंगा आपको। अगर आपको किसी पर शक करना होता तो आप किस पर करते? धर्मेश और प्रीति। हर्ष सोने की मुर्गी बन सकता था धर्मेश और प्रीति के लिए, रिटायरमेंट का प्लान बन सकता था। पता नहीं ये गवारों ने क्या सोचा होगा। लेकिन धर्मेश खुद भी तो मारा गया है, और प्रीति अपने छोटे भाई हर्ष को मरवाने में साथ क्यों देगी? ऐसा भी हो सकता ना कि धर्मेश ने अकेले ने प्लान बनाया हो, प्रीति को कुछ पता ही ना हो, अंधेरे में हो, और वो क्या नाम ललित फलित दोनों के बीच में अनबन हो। सर वो कहावत है ना, जहां 4 पैसे वहां 8 तलवारें। Thank you.
आप लोगों से कुछ नहीं छुपा है पापा, मैं सिर्फ फ्रांस के वीजा के लिए मगजमारी कर रहा था। विवेक भी आप पेरिस में स्वाति जी को कॉल करो ना, उन्हें बताओ यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। अरे मैंने स्वाति से बात की थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पुलिस को ये बात खटक रही है विवेक कि तू तो पेरिस में रहकर आया है, तुझे तो वीजा के बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी चार चार बार ऊपर नीचे क्यों गया? पापा मैं अपना वीजा थोड़ी बनवा रहा था, देहाती गांव वाला था धर्मेश, कुछ समझता ही नहीं था ठीक से वो, कभी ये पेपर नहीं कभी वो पेपर नहीं, और फ्रेंच कॉन्सुलेट वाले कितना स्ट्रिक्ट होते हैं आप जानते ही है ना। हम बस इतना जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका बिल ये आप पे और उस ड्राइवर गुड्डू पर फाड़ना चाहते हैं पुलिस वाले। कोर्ट कानून नहीं है क्या? जब कुछ किया नहीं तो किस बात का बिल फाड़ेंगे ये लोग? सर, इस धर्मेश के कॉलिंग कोर्ट्स में किसी भी तरह की प्लानिंग की कोई हिंट तक नहीं है। प्रीति, माधुरी और माधुरी का पति राजकुमार, सबके फोन कॉल्स क्लीन है सर। फिर किसने की इस कांड की प्लानिंग? सर, मोहन रावत के इस वाले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी शक करने जैसा नहीं है। अब इनके पास कोई दूसरा नंबर है या नहीं ये फिलहाल हमें पता नहीं है। रतन दास के फोन रिकॉर्ड्स भी मंगवाए ना, जिसने हर्ष का नाम सजेस्ट किया था मोहन को। रतन दास के कॉल रिकॉर्ड्स की पूरी तरह से स्कैनिंग की सर, पर कुछ नहीं मिला। तो फिर बचा कौन? सर, इस सुपारी किलर ललित सिंह की मदर शालिनी सिंह, उसके फोन रिकॉर्ड्स में से उसकी बहन रचना राठी का नंबर मिला है। ये देखिए सर, यही जबलपुर में रहती है, इसके घर के बाहर भी एक टीम तैनात कर दी है। हो सकता है ललित सिंह इसके घर छुपने आए। इस केस से जुड़े सारे सस्पेक्ट हैं हमारे पास, लेकिन कहीं से कोई एंगल बन नहीं रहा है। हो सकता है इनमें से कोई झूठ बोल रहा हो, या फिर असली कल्प्रिट इनमें से कोई हो ही नहीं। मंजू, धर्मेश और प्रीति ने मिलकर कुछ किया हो, ये वाला एंगल? सर, वो एंगल टटोला मैंने, मैंने प्रीति से बात की। जो जो कागज पत्री वो लोग बोलते वो सारे धर्मेश लेके जाता था जबलपुर हर्ष के साथ, कभी इस कागजात पे दस्तखत करने, कभी उस कागज पे दस्तखत करने। तुम लोगों को कभी लगा नहीं कि स्वाति जी ने 2015 में हर्ष को अडॉप्ट किया था और 2017 जून तक उसके वीजा के पेपर्स बन ही रहे थे? तुम लोगों ने कभी पूछताछ करने की कोशिश नहीं की विवेक आर्य या मोहन भाई से? हमें मालूम नहीं था कि इसमें इतना समय नहीं लगता है, अगर मालूम होता तो शायद पूछ भी लेते, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम था। जो भी वो लोग बोलते गए वो हम करते गए। इस वक्त तो हम हर चीज हर्ष से जोड़कर देख रहे हैं, पर हो सकता है कि असली निशाना धर्मेश था। क्या धर्मेश की नरसिंहपुर गांव में कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा रहा हो? नहीं नहीं, धर्मेश बहुत ही सीधे थे, किसी के साथ कोई बैर नहीं था। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मेश और हर्ष को मार के किसी को क्या मिल सकता है। सर, नरसिंहपुर में अच्छी खासी फील्डिंग करवाई मैंने, पर धर्मेश का किसी के साथ भी कोई झगड़ा वगड़ा निकल कर नहीं आया। पर मंजू, सुपारी दी गई और वो भी ललित सिंह को, मतलब महंगी सुपारी थी सर। अब अगर इस सुपारी से किसी को कोई फायदा नहीं था तो फिर ये सुपारी दी क्यों गई? घूम फिर के सुई हमारी पहली थीसिस पे लौट रही है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। पुराने पेशेवर हथियारों से भी कई बार गलत निशाना लगा है, हो सकता है इस बार भी वही हुआ। अब इसका जवाब तो सिर्फ ललित सिंह ही दे सकता है सर। हम इस केस से जुड़े सारे संदिग्धों की बार बार इंटरोगेशन करते रहे, या तो उनके बीच साठ गांठ इतनी तगड़ी थी कि कोई भी नहीं टूट रहा था, या फिर ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का ही केस था। हम दावे के साथ कुछ नहीं कह पा रहे थे, हम सुपारी किलर ललित की मौसी रत्ना राठी को भी ट्रैक कर रहे थे। उधर पेरिस से हम पर स्वाति मेहरा का प्रेशर बढ़ रहा था, उसके नए नए गोदलिए बच्चे हर्ष के हत्यारों का पता लगाने, पर उसकी तरफ से भी कोई ठोस लीड नहीं मिल रही थी जो हर्ष और धर्मेश के हत्याकांड को क्रैक करा सके। हमारी कंफ्यूजन सिर्फ एक आदमी दूर कर सकता था, खुद ललित सिंह। ललित सिंह को धरने के लिए हमने पूरा जाल बिछा रखा था, बस इंतजार था उसके फंसने का। पर सुपारी किलर ललित सिंह के हाथ लगने से पहले हमें इस केस का पहला ब्रेक थ्रू मिल गया। इस खूंखार शतरंज की बिसात पर का एक मोहरा आखिरकार फिसल गया। सर, गाड़ी का ड्राइवर गुड्डू टूट गया है, बोलता है बोलेगा। देर से पर दुरुस्त, देखते हैं कितना बोलता है।
गुड्डू कौन सी चक्की का आटा खाता है तू? इतने दिन भोला भाला बना रहा, ना बातों से टूटा ना लातों से। मैं पैसों के लालच में आ गया था, मैं बहुत छोटा आदमी। लालच किसने दिया तुझे? शुरुआत से बोल। बोल साहब, वो हर्ष को मारने की दो बार पहले भी कोशिश की। किसने कोशिश की थी? सुपारी किलर ललित सिंह ने? वो तो नहीं पता साहब, पर वही दो लोग बाइक पर सवार थे, एक बार 23 मई को और एक बार 2 जून को, जब हम जबलपुर से लौट रहे थे नरसिंहपुर की तरफ हर्ष और धर्मेश भाई को छोड़ने के लिए। उसी स्पॉट पर कोशिश हुई थी? नहीं साहब, वो शाहपुरा के टर्निंग से पहले 23 मई को। दूसरी बार नूनी बाईपास के पास 2 जून को। गाड़ी किसके कहने पर रोकी गुड्डू? पहले से बताया गया था कि वहां रुकना है, पेशाब के बाद। किसने बताया था पहले से? विवेक भाई ने। तो विवेक टूटा क्यों नहीं अब तक? मैं क्या जानू मैडम, मुझे जैसा बताया गया मैंने हल्का होने के बहाने गाड़ी रोक दी, फिर विवेक भाई बाद में बोले नहीं यहाँ नहीं है, अभी नहीं है। पूरी स्टोरी सुना गुड्डू, कब से प्लानिंग चल रही थी? हमारी ट्रेवल एजेंसी की सारी गाड़ियां वो विवेक भाई के पापा मनप्रीत सिंह जी की गैराज में सर्विस होने के लिए ही जाती। गुड्डू, नरसिंहपुर से जबलपुर आना है और रिटर्न नरसिंहपुर जाना है। अरे जब बोलो विवेक भाई, काम काम है। गाड़ी तो चलानी है। सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी, बहुत बड़ा मौका है तगड़ा माल कमाने का और मेरे साथ पार्टनरशिप का। कैसी पार्टनरशिप है भैया? 1,00,000 मिलेंगे तुम्हें। 1,00,000? आराम से। करना क्या है मुझे? गाड़ी रोकना है जहाँ मैं बोलूँगा। हाँ लेकिन कहाँ, क्यों? ऐसी जगह जो सुनसान हो, हल्का होने के बहाने गाड़ी रुकाना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं विवेक भैया, कोई झंझट का काम तो नहीं है ना? ठीक से करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारे 1,00,000 तुरंत कैश में मिल जाएंगे। बस इतना है कि इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मामला बच्चे को लेकर ही। मैं सच कहता हूँ मालिक, कत्ल होने वाला है, मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। विवेक किसके कहने पर कर रहा था ये और क्यों कर रहा था? मुझे कुछ नहीं पता मालिक। पूरी स्टोरी उल्टी कर, झूठी उल्टी की तो खून की उल्टी करेगा विवेक आर्या। सर सर मैं फंस गया था सर। अब फंस जाएगा, शही खोद के काट देंगे। स्टोरी बोल स्टोरी, अपना टुकड़ा नहीं। सर ये स्टोरी पेरिस में शुरू हुई थी। स्टोरी का विलेन कौन है? स्वाति, सनी या दोनों? सर सनी ने शर्त रखी थी कि अगर पेरिस लौटना है, जॉब चाहिए, वर्क वीजा चाहिए, तो उसका एक काम करना होगा। तुझे यहाँ पेरिस परमानेंट रेजिडेंसी दिलाने का फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास और कॉन्टेक्ट भी, बस तुझे एक काम करना है। सिंपल सा काम है, तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आराम से कर ले। यार सनी कुछ भी कर दूंगा, तू मुझे पहले ये बता कि तुझे ये वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिल रही है, अचानक से कॉन्टैक्ट कहाँ से मिल गया? देख विवेक, बात अपने तक ही रखना, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए सिर्फ तेरे को ही बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए स्वाति के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया, तेरे लिए भी एक लड़की ढूंढी है, फुल प्रूफ तरीका। तू भी मेरी तरह दामाद बन जा पेरिस का, ऐश करेंगे। बस उसके लिए तुझे यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आना होगा। क्या, अबे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? अब बता रहा हूँ ना, लेकिन इसके बदले तुझे मेरा एक काम करना होगा। बोल ना, सुन रहा हूँ, काम क्या है? एक मर्डर करना। क्या मजाक कर रहा है यार, एक तो पहले ही वर्क परमिट को लेकर ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ। बोल ना काम क्या है? मजाक नहीं कर रहा हूँ विवेक, एक मर्डर करना है। इनफैक्ट तुझे नहीं करना है, सिर्फ करवाना है। किसका मर्डर और क्यों? एक बच्चे का मर्डर। इस काम के 6,00,000 अलग से दूंगा। अब बोल। यार तुम मर्डर ऐसे बोल रहे जैसे खेत की मूली काट लाना हो। इनफैक्ट उससे भी आसान, तुझे काटना नहीं है, सिर्फ खेत में से मूली कटवानी है, वो भी छोटी वाली। और तूने हर्ष की सुपारी ललित सिंह को दी? जी सर। और ये ललित सिंह तुझे किसने दिया? कैलाश ने। कैलाश? कौन कैलाश? कैला जी। अरे विवेक कैसे हो?
अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बड़े दिनों बाद दुकान बंद कर रहा था मैं। चल कोई नहीं, तू आ गया तो बैठ। बैठना चाहिए। मुझे बाल नहीं कटवाना है, मुझे आपसे प्राइवेटली बात करनी है। देख विवेक, तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, फॉरेन रिटर्न है, हाँ, फिर ये मर्डर और सुपारी की बात क्यों? कैला जी, ये मर्डर मेरे लिए वीजा है पेरिस लौटने का, हमेशा हमेशा के लिए। ए विवेक, मैं तुम दोनों भाइयों को बचपन से देखते आया हूँ हाफ पैंट में। तुम्हारे डैडी मेरे दोस्त है और गैरेज भी अच्छा खासा चल रहा है, तो दूसरे देश में क्यों नहीं चले जाता? क्यों ये सुपारी की लफड़े में पड़ रहा है? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कॉन्टैक्ट किसको करना है, किसको मरवाना है। कैला जी, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कितने लगेंगे और आपका कट कितना होगा? मैं आपको 1 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, 2 लाख, जल्दी बता दो। सिंह, ललित सिंह की दी हुई सुपारी कभी खाली नहीं जाती और सुपारी देने वाले का नाम कभी बाहर नहीं निकलता। बहुत कमीना है, रिकॉर्ड है उसका, लेकिन पैसा भी उसी तरह से लेता है। 6 लाख। बच्चे का 6 लाख? बच्चा मारना हो या बड़ा आदमी, यहाँ फुल प्लेट का ही रेट लगता है। अपने यहाँ हाफ प्लेट वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, समझा? ठीक है ललित भाई, मैं पार्टी से पूछता हूँ और कंफर्म करके ही फ़ोन करता हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं हो जो फ़ोन करेगा, मेरे को कोई फ़ोन नहीं करता, आमने सामने मिलेंगे। सुपारी किलर ललित सिंह को 6 लाख रुपये देने के लिए सनी मान गया? जी सर। 6 तुझे, 6 ललित सिंह को भी, और ड्राइवर गुड्डू को 1, सलून वाले कैलाश को ललित से इंट्रो करवाने के 2 लाख, टोटल हुए 15 लाख। ये 15 लाख पेरिस से भेजे गए सिर्फ हर्ष को मारने के लिए। सर, डील वहाँ पेरिस से हुई पर एडवांस यहीं से आया। ललित को सुपारी के 1 लाख मिले, कैलाश को 25,000, मीरा और गुड्डू का एडवांस अभी बाकी है सर। ये एडवांस यहाँ भेड़ाघाट में किसने दिया? सर, मोहन जी ने। मोहन इस कांड को स्पॉन्सर कर रहा, इसमें मोहन और उसके बेटे सनी को क्या मिलने वाला था? और वो पेरिस की स्वाति, वो स्वाति भी इसमें 100% इन्वॉल्व होगी। सर, जहाँ तक मुझे पता है ये मामला ऑडॉप्शन का था ही नहीं। मैडम, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि विवेक किसका मर्डर करने वाला है। मालूम होता तो तू क्या करता, चिल्ड्रंस डिस्काउंट दिलवाता, दो दो मर्डर का पैकेज डील करवाता, एक पे एक फ्री। कोई भीख लेखा व्यापारी मंडल का चेयरमैन हूं मैं, मेरी इज्जत है यहाँ पर। तो हम देंगे ना इज्जत आपको, पहले आपको चेयर पर बिठाएंगे, फिर आपकी खाल उतारेंगे। ले चलो। आप मेरी बात सुनिए सर। सर सर सर, मैं क्या बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए सर। ये जो 2 अटेम्प्ट हुए थे 23 मई और 2 जून को, जी सर, कैंसिल क्यों हुए? पहले से सनी ने फोन किया था कैंसिल करवाने। ए विवेक, क्या कर रहे बेतू, हाँ क्या कर रहे है? पहले शाहपुरा और अभी ये साला नोनी, क्या कर रहे है बेवकूफी? ललित और उसका जोड़ीदार विपुल वेट कर रहे हैं, आराम से काम हो जाएगा। ए यू, देखो समझ में नहीं आती है, बोला था ना बेड़ाघाट पे जगह चुनने को, कहीं और क्यों चुनी? वो इलाका मेरे पापा का है, सब कुछ संभाल लेते वहां पे। तो अभी हम लोग बस लोकेशन पर पहुंचने ही वाले हैं यार, और दोनों वेट कर रहे हैं। करने दे वेट, तू कैंसिल कर, नोनी में काम करेगा साला इडियट, कैंसिल कर और तुरंत कोई दूसरी डेट फिक्स कर। ओ भाई सुन मेरी बात, मैंने 2 बार जगह और टाइम चुने, तूने हक दिया, कैंसिल कर दिया। 2-2 बार फेल होने का अपना कभी स्टाइल नहीं रहा, तीसरी बार फाइनल होगा। जगह चुन तो, टाइम चुन तो, हम लोग बच्चे को उठा ले जाएंगे और काम कर देंगे, समझा? ठीक है ललित भाई, मैं फिर से हर्ष और उसके जीजा को एक जगह पे बुलवाता हूँ और कुछ प्लान बनाता हूँ। तो ये वीजा का चक्कर हर्ष के मर्डर के लिए नेक प्रैक्टिस था, एम ए घुमा रहे थे हर्ष और उसके जीजा धर्मेश को, और वो बेचारा जैसे जैसे उससे बोला जा रहा था किया जा रहा था। सर, ये पूरा आइडिया पूरा प्लान मोहन जी ने बनाया था सर। सर, मोहन जी सेटलमेंट करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा ऑफर दे रहे हैं चेयरमैन मोहन रावत, सुन लेते हैं सर। सर मैं क्या कहता हूं, हम लोग आगे की सोचते हैं, हर्ष और उसके जीजा के बारे में सोचने वाला कोई है नहीं। हम यहां हैं, आप लोग यहां पर हैं, रोजो असली खिलाड़ी वो पेरिस में जिसको आपको छू नहीं सकते हैं। आप एक फिगर बोलो, चाहिए तो आप अंदर अंदर डिस्कशन कर लो ना, लेकिन एक, 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 एक दिल खुल के फिगर बोलो जो मैं दिल खुल के दे सकूं।
एक 10 साल के बच्चे की अतड़ियां बाहर निकलवाने वाला दिल की बात कर रहा है। ये अडॉप्शन किस लिए था? नाटक था कोई, है ना? मेरे बेटे सनी और स्वाति जी ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी सर। और यहाँ पर सारी सेटिंग तूने की? नहीं सर। तेरा वो दोस्त रतन दास श्रॉफ, वो भी शामिल था इस साजिश में? नहीं नहीं सर, उसने तो सिर्फ पहचान करवाई धर्मेश्वर प्रीति के साथ। 24 जून को हर्ष की मौत की खबर जब पेरिस गई होगी तो वहां पर खूब खुशी का माहौल हुआ होगा, है ना? हुआ होगा। धर्मेश बीच में आ गया, वरना प्लानिंग तो सिर्फ हर्ष को मारने की ही थी। ओके ओके सनी, सब कुछ ठीक से हुआ ना? सनी तुम मुझे टेंशन दे रहे हो, प्लीज बोलो ना, सब ठीक से हुआ ना? अपना टारगेट हर्ष मारा गया और साथ में उसका चीजा धर्मेश। थैंक यू गॉड, वी आर, इट्स टाइम टू पार्टी। एक बच्चा जो जिसके नसीब में मौत लिखी थी, उसके जीजा जिसके नसीब में मौत लिखी थी, लेकिन आपके नसीब में 10 लाख है। सबके नसीब में 10-10 लाख। ये कोई पहला ऑफर तो है नहीं जो आपको मिला हो, और हर्ष कोई आखिरी बच्चा था नहीं जो इस दुनिया में से गया हो। बच्चे की बोली कितने की लगाई और किसे लगाई? दो क्या? हम दो, दो क्या? दो करोड़, दो करोड़ हर्ष का, दो करोड़ का इंश्योरेंस निकाला था सर। प्लानिंग इंश्योरेंस की थी साहब, इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों की। हर्ष को गोद लेना सिर्फ एक जरिया था। प्लानिंग स्वाति जी और सनी ने की थी सर, मैंने सिर्फ 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 मदद की थी। सेटल कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सर सर कैश ले लो और केस रफा दफा कर दो सर। फर्क पड़ चुका है मोहन रावत, इस बच्चे की मौत से हमारे डिपार्टमेंट में काफी फर्क पड़ चुका है, जो तू अब लॉकअप में देखेगा, जो तू जज साहब में देखेगा जब वो तुझे सजा सुनाएंगे। इसलिए तू फर्क की चिंता मत कर। सर सर आप मेरी बात सुनो सर, सर सर बात सुनो सर, सर सर मैं इज्जतदार आदमी हूं सर, सर मैं इज्जतदार आदमी हूं सर। एक हफ्ते बाद हमें खबर मिली कि ललित सिंह उसकी मौसी के घर आया हुआ है जबलपुर। जी क्राइम ब्रांच, ललित सिंह कहाँ है? ललित वो साहब, साहब कौन है? मौसी? मौसी नहीं बेटा, तेरा मौसा आया है। ललित एक काम करना, तेरे सर के ऊपर जो खिड़की है ना उसे कूद जा, खिड़की के बाहर मेरे 2 आदमी खड़े हैं, प्रॉमिस करते हैं तुझे निराश नहीं करेंगे। बड़ी कलाकारी दिखाई उस बच्चे और उसके जीजा पर, साड़ियां तनिया बाहर, क्या चाकू घुमाया है और हमें भी घुमाया। सुपारी तो सिर्फ बच्चे के लिए था साहब, वो उसका जीजा फीजा जो भी है वो तो बेकार में हीरो बन रहा था। अपने जोड़ीदार का नंबर दे दे, उसे भी मंगवा लेते हैं, यहाँ तेरी कंपनी भी हो जाएगी। ठीक है बताता हूँ ना साहब, लेकिन वो मेरी बेल मत रुकने देना, मेरा वकील मिलेगा आपको। तेरे वकील साहब को क्यों तकलीफ दें, तेरी बेल हम ही करवा देंगे यहीं पर इसी लॉकअप में, उसके बाद तू अंदर रहे या बाहर क्या फर्क पड़ता है। 6 दिन, पूरे 6 दिन वो बच्चा और उसके जीजा आईसीयू में तड़पे हैं, अब तो जिंदगी भर तड़पेगा। सर हर्ष मोरे के इंश्योरेंस पेपर में कोई झोल नहीं है, मैं लेके आता हूँ आप खुद देख लीजिएगा। कितनी किस्त भर दी गई है? मिस स्वाति मेहरा ने पहली किस्त अदा की है, और सर मैं आपसे कहना चाहूंगा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सब कुछ कायदे से हुआ है। पेपर्स तो लेके आई एजेंट साहब,
हम इंश्योरेंस कंपनी से आपसे सबसे बात करेंगे, उसके बाद ही तय होगा। पेरिस लेके ही नहीं जाने वाले थे? नहीं प्रीति, उन्होंने तुम लोगों को ढाल बनाया, खास करके हर्ष को, जीवन बीमा के 2 करोड़ रुपए के लिए। और वो जो औरत है स्वाति मेहरा, उसका हर्ष को गोद लेने का कोई इरादा नहीं था। बीमा के पैसों के लिए मार दिया हर्ष को? क्यों मार डाला मेरे भाई को? धर्मेश की जान हर्ष को बचाने की कोशिश में गई, धर्मेश को मारने का कोई प्लान नहीं था। मनप्रीत जी, खुद विवेक ने हमें यह सब बताया। हमारे विवेक ने ऐसा किया? 6 लाख रुपए और पेरिस में जॉब, इसके लिए उसने 2 मासूमों को मरवा डाला। इंश्योरेंस क्यों करवाया? मतलब हर्ष के बेनिफिट के लिए ही करवाया, आफ्टर ऑल हर्ष को अडॉप्ट कर रही थी मैं। आप क्या बोल रहे हैं सर? आप ऐसा ये वाहियात एलिगेशन लगा भी कैसे रहे कि मैंने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने ही बेटे हर्ष को मरवाया? स्वाति मेहरा, गलत फहमी पाली तुमने और सनी ने भी कि फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क में छुपकर बैठने की जगह मिल जाए तो इंडिया में तुम जो मर्जी जुर्म कर सकते हो, हम तुम तक कभी पहुंचेंगे नहीं। शट अप, बहुत सुन लिया मैंने, तुम्हारी ये स्ट्रेट्स, ये एलिगेशन मुझ पर असर नहीं करती। ऑलराइट, धमकियां मत दो मुझे। ये धमकी नहीं है, ये अगले कुछ दिनों का फोरकास्ट है तुम दोनों को। मौसम बड़ा खराब होगा, इतना खराब कि तुम अपने अपार्टमेंट में छुपकर बैठो, पेरिस के किसी मॉल, होटल या गली में शरण लो। आंधी आएगी, आंधी, और वहां से तुम्हें उखाड़कर सीधे हमारे कोर्ट में फेंक कर जाएगी। तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, वो ये पुलिस उनकी मुट्ठी में। तब मुट्ठी छोटी पड़ गई है पापा की। ये सब उस इडियट साले विवेक की वजह से हुआ है। ये सच एन इडियट। तुम्हें लगता है कि वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे? नो ना, आई मीन फ्रांस के लॉज और इंडिया के लॉज। हाँ, नहीं पहुँचेंगे, और पापा भी बेल पर बाहर निकले लेंगे। मैडम स्वाति मेहरा। वी ऑफिसर। Le monsieur Sunny là-bas, est-il avec toi? Oui, officier. Sunny? Sunny? Oui, officier, que se passe-t-il? Nous avons votre mandat d'arrêt. What happened, officers? What have we done? Quoi avons-nous fait? Nous avons un mandat d'arrêt de session. Provincial province d'Anne. Vous pouvez le lire. Pehle lookout notice jari. Phir red corner notice jari. ताकि स्वाति मेहरा और सानी रावत के फरार होने के सारे प्रयास भंग किए जा सके। आखिर में हम प्रोविजनल अरेस्ट वारंट इशू करवा पाए और इस जोड़े को पेरिस पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। हम इस केस को आखिरी पड़ाव तक लेकर ही जाएंगे। हम स्वाति मेहरा और सनी रावत के फ्रांस से इंडिया एक्सट्रेडिशन के लिए पूरा जोर दे रहे हैं। हमें उम्मीद है यह जल्द से जल्द होना चाहिए। हमने इस निहायत ही घटिया और भयंकर षड्यंत्र को सफल होने नहीं दिया। हम अपनी देखरेख में ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। क्रिमिनल्स जब जुर्मिस्तान के पासपोर्ट पर सफर करने निकलते हैं, उन सबको एक बात साफ पता होनी चाहिए कि इस पासपोर्ट पर एक ही वीजा लगता है, और वो है सजा का वीजा। इस पासपोर्ट और वीजा पर क्रिमिनल की हर उड़ान वाया लॉकअप, वाया अदालत, सीधे जेल को जाती है। मुजरिमों को यह समझ लेना चाहिए कि यह वन वे फ्लाइट है और रिटर्न फ्लाइट के लिए सालों का वेटिंग पीरियड होता है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।